चंद्रयान 2 से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 को लेकर दावा किया है कि जिस जगह पर विक्रम लैंड हुआ था उसकी तस्वीर ली गई है। नासा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें साझा की और लिखा कि हमारे लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यानी लूनर क्राफ्ट ने उस जगह की तस्वीर ली है जहां भारतीय चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम ने लैंड किया था। तस्वीरें शाम में ली गई थी, इसलिए हमारी टीम लैंडर विक्रम को लोकेट नहीं कर पाई, लेकिन अगले महीने अच्छी लाइट में और तस्वीरें ली जाएंगी। नासा ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों के आधार पर नासा का कहना है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद के सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले इसरो की महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन से जुड़ी ये खबर सुकून देने वाली है। हाल ही में इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि चंद्रयान 2 के लैंडर से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है, अब उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ऑर्बिटर के सभी उपकरण लगातार सूचनाएं भेज रहे हैं। इसरो चीफ के अनुसार एक जांच समिति इसका विश्लेषण कर रही है कि किस कारण लैंडर से संपर्क टूटा। चंद्रयान 2 दैट इज ऑर्बिटर इज डूइंग वेरी वेल एंड ऑल सैटेलाइट ऑपरेशंस आर सॉरी पेलोड ऑपरेशंस आर कमेंस्ड एंड इट इज एक्सट्रीमली डूइंग वेल एंड लैंडर दैट इज दैट वी हैव गॉट नाउ नो सिग्नल but orbiter is working very well. Will ISRO plan any Chandrayaan 2 in future? That we are working out a detailed way that maybe that a committee, national level committee is now analyzing what really gone wrong with the lander. Maybe after the committee submitted the report, then we will be working on what is the future plan. And also necessary approvals and all required. So many processes are required and that we are working on that. लैंडिंग साइट की तस्वीरें आने के बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही विक्रम को भी लोकेट कर लिया जाएगा, जिससे न केवल कारणों का पता लगाने में मदद लगेगी बल्कि इसरो के आने वाले मिशन में भी यह मददगार साबित होगा। बता दें कि इसरो के विक्रम का संपर्क चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले टूट गया था, जिसके बाद से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लैंडर को खोजने के प्रयास में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।